हुसैन हाय हाय जाकिर 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 हुसैन हाय हाय कांग्रेस हाय हाय कांग्रेस हाय हाय कांग्रेस संघ दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है। जिस प्रकार से कल एक कांग्रेस के नेता ने, जो करगिल के हैं, करगिल से वहाँ पर काउंसलर हैं, उन्होंने उनकी एक ऑडियो जो है जिस प्रकार से वायरल हुई है, और वो उसमें कहते क्लियर सुनाई दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लद्दाख के जो हैं वो 1000 टुकड़े होंगे और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में हम दे देंगे। और चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही लद्दाख को जो है वो उसको हम आज़ाद करवाएंगे। इस प्रकार की लैंग्वेज जो है जो उसमें जो सामने आ रही है, सुनाई दे रही है, क्लियर है वो पूरी। लेकिन मैं पुलिस का भी धन्यवाद करता हूं कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस काउंसलर को अरेस्ट किया है विभिन्न धाराओं के तहत और उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया है। लेकिन मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो एक देशद्रोही पार्टी है। पिछली बार भी उनका एक अल्पसंख्यक नेता जो है वो जम्मू में आया और उसने बयान दिया कि आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ चीन के साथ, इस प्रकार की उनकी मानसिकता है। और उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो भी अलग अलग किस्म के बयान दे जा रहे हैं। उनको ये नहीं, अब 370 हटने के बाद अब क्लियर हो गया है कि ये लोग कितने देशभक्त हैं। ये इनकी देशभक्ति जो है ये सामने निकल के आ रही है। अब ऐसे लोगों को जो देश के विरुद्ध बात करते हैं, इनको सरकार को चाहिए कि इनको एक लंबी छुट्टी के लिए सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए।